इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार की जल मंत्री अतिशी ने जारी किए निर्देश। जल बोर्ड के सीईओ को जारी किए निर्देश। निर्देश में 200 टीमों को गठित किया जाएगा। वही साथ ही आगे आपको बता दें, पाइप के जरिए गाड़ी धोना पानी की बर्बादी माना जाएगा। पानी के टैंक का ओवरफ्लो होना भी पानी की बर्बादी माना जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल भी पानी की बर्बादी माना जाएगा। वही साथ ही आगे आपको बता दें, पानी बर्बाद करने वाले पर 2000 का जुर्माना लगाने का भी निर्देश। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को एक निर्देश जारी किया है और साथ ही कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति पानी के जरिए अपनी गाड़ी धोता हुआ नजर आता है और साथ ही घरेलू पानी कनेक्शन के जरिए कमर्शियल उपयोग करता हुआ नजर आता है और साथ ही ये भी देखा जाए कि अगर कोई कमर्शियल साइट पर बेवजह ज्यादा पानी की बर्बादी करता हुआ नजर आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पानी की बर्बादी की रोकथाम के लिए 200 टीमों का गठन किया गया है और साथ ही अगर कोई व्यक्ति पानी की बर्बादी करता हुआ नजर आता है तो उस पर 2000 रुपए का चालान भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।